अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अनदर GTA 5 वीडियो। सो गाइज यार, सबसे पहले तो ये देखो, गाहक वगैरह हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ और गाय वगैरह मज़ीद चाहिए थी। तो इसी वजह से यार मैं आज आपको आज हम जा रहे हैं मंडी पे, क्योंकि लॉस सेंटर्स में जो वीकली मंडी है वो आज लगनी थी। इसी वजह से हम इस वक्त निकल रहे हैं। ये देखो यार, ये काम पे लगे हुए हैं बंदे और ये गाहक खड़े हैं। अब ये जिस तरह यानी कि इनको दूध दिया जाएगा और ये जाते जाएंगे। सुबह ज़्यादा होते हैं, फिर शाम को उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। ये दो गाय जो उस दिन न्यू लेके आए थे, ये वो है। तो अब उनके पास तो मज़ीद नहीं थी शफीक भाई के पास, इसीलिए हमने मंडी का कहा है कि हम मंडी विज़िट करेंगे। सो उसी खातर यार मैं अब जा रहा हूँ मंडी की तरफ ही, तो सुजुकी रावी ही लेके जाएंगे अपना। अब देखते हैं यार, इधर माल इतना यानी कि शफीक भाई कह रहे थे इतना अच्छा नहीं आता, फिर भी यार देख के तो उस हिसाब से फिर हम माल यहाँ से ही बाई कर लेंगे। अभी एक दो और मज़ीद ले आते हैं, फिर और यानी कि जिस तरह हमें साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ और गाय भी ले आएंगे। तो अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन होता है, तो अल्लाह करे अच्छी सी दो गाय मिल जाए। अब रेट्स क्या चल रहे हैं ये तो ड्राइवर को इतना नहीं पता। आपको पता है अभी ड्राइवर नहीं हुआ इस काम में, इसी वजह से ड्राइवर को इस बारे में कुछ खास नहीं पता। तो चले देखते हैं। वो गाइस मैं कह रहा था यार, ड्राइवर के लिए होंडा 125 बाइक कर लूँ साथ, यानी कि आने जाने के लिए। यार इधर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मैंने कहा इधर से रश नहीं होगी, चले आगे तो नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कच्चे वाले रास्ते से जाते हैं। अब फिर यार आगे से एक और गाड़ी आ गई है, लो गाड़ी इधर भी आ रही है। सो मतलब है कच्चे वाले रास्ते से भी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन चले रोड से तो कम ही है। तो हाँ यार, मैं क्या कह रहा था, यानी कि ड्राइवर के लिए भी एक 125 बाइक कर लेते हैं होंडा। वो अपना फ्रैंकलिन भाई से ही बाइक कर लेंगे अगर उनके पास आ गए। अभी तो उनके पास 70 खड़े थे, कुछ वो कह रहे थे मज़ीद भी हम मंगवाएंगे, और साथ साथ यानी कि और उन्होंने वो भी मंगवाने हैं, 125 ही मंगवाने हैं। तो चले देखेंगे वो साथ साथ करेंगे। तो कल यार मैंने GTA 6 पे भी वीडियो डाली थी, GTA 6 की PC रिक्वायरमेंट के वाले से। वो वीडियो अगर किसी ने देखनी हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, और उसका ट्रेलर भी। तो गाइज उसके हवाले से यार, ट्रेलर के हवाले से मैंने कुछ यानी कि सर्चिंग वगैरह की थी, तो मुझे यार ऐसा पता चला है वो ट्रेलर इसका कुछ ओरिजिनल नहीं है। और जो यार इसमें यानी कि रिलीजिंग डेट है, तो रिलीजिंग डेट GTA 6 के हवाले से ये कह रहे थे कि 2021 और 2022 के दरमियान में, यानी कि 2020 इसमें उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। मुझे लगता है यार 2020 में उसने लॉन्च भी नहीं होना, 2021 या 2022 के मिड में शायद कहीं जाके वो लॉन्च हो। चलें, ये तो GTA 6 के हवाले से हो गया। तो GTA 5 में यार जो हमारे पास आगे जगह बची हुई है, यानी कि जो ड्राइवर के बाड़ा है उसके आगे आपने जगह देखी है, उसमें मैंने आपसे पूछा था, तो मुझे यार इस चीज़ के कमेंट आए थे यानी कि वहाँ पे कुछ पार्किंग वगैरह या फिर उधर फ्लावर की दुकान वगैरह सेट कर लो। मैं खपा किसी को नहीं करता, तो इंशाल्लाह उधर हम पार्किंग भी साथ में बना लेंगे, और कुछ आगे मैंने कहा है कि शॉप वगैरह भी बना लेते हैं। अगर ये शॉप बनवा के पीछे जगह बचती है तो फिर देखेंगे, अगर पार्किंग बनती हुई तो ठीक है, पार्किंग ना बनी फिर उधर यार हम कोई फसल वगैरह यानी कि उगा लेंगे। और वैसे भी उधर साथ दूसरी यानी कि जो बनी हुए हैं प्लॉट वगैरह उनमें उगाई हुई है, हम यार इसी तरह साथ में फसल उगा लेंगे। और फिर उसमें हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, जगह हम मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं अपनी गाय के लिए। चले, ये मंडी भी करीब आ गई है, ये असल में लॉस सेंटर्स में लगती है यार, वीकली लगती है, तब इधर माल भी कम है, कस्टमर भी इतना ख़ास नहीं होता, तो ये इतना ख़ास नहीं है। मैंने कहा था वो रोड वाले रास्ते से नहीं आता, वो काफ़ी लंबा में पड़ जाता, तो चले वापसी से उधर से चले जाएंगे। ये आए यार, ये कुछ गाय वगैरह थोड़ी सी खड़ी हैं, चले इधर साइड में मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। ये और भी यार इधर से सुजुकी रावी वगैरह खड़े हैं, ये असल में आते रहते हैं, आपको पता है मंडी को साइडों पे ये खड़े होते हैं, क्योंकि इधर से लोग गाय ले जाते हैं और ला के ले आते हैं, तो उसी वजह से ये साथ में खड़े होते हैं। हम इधर पार्क करते हैं यार, इधर से कुछ देखते हैं गाय वगैरह कैसी है, वह तो पता नहीं है, चले इनसे ही पूछेंगे, साथ साथ हमेशा दौरान एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ से शुरू करूँ, ये मुझे लगता है इनका आपस में कुछ सौदा वगैरह चल रहा है, इसी वजह से ये खड़े हैं। चले, छोड़े, इस वाले अंकल से पूछते हैं।
हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ शुक्र अल्लाह का, तो आप सुनाए। शुक्र अल्लाह का। ये गाय आपकी? हाँ, मेरी है। तो क्या रेट है इनका? भाईजान, ये ब्लैक वाले का 2,20,000 और दूसरी दो का ये इस वाले का 2,00,000 और उसका 2,50,000। इतना ज़्यादा रेट यानी कि किस हिसाब से? वो असल में ये यानी कि किस हिसाब से आप कर रहे हैं इतना रेट? वो असल में ये इनका दूध एक 15 लीटर है और दूसरा जो है वो 16 है, और वो 18 के लगभग एक टाइम का दे देती है। चले मैं आगे भी देखता हूँ फिर आपसे आके, और मैं बात वगैरह कर लेता हूँ। चलो गाइस, ये तो बहुत यानी कि रेट इसका मतलब है हाई होते हैं, हाईली रेट है। इनसे भी पूछ लेते हैं साथ में, चले पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या रहे? शुक्र अल्लाह का। ये क्या रेट इनके कर रहे हो भाई जान? ये मेरे पास एक ही खड़ी है, तो मैं इसका 2,20,000 मांग रहा हूँ। तो दूध कितना है इसका? तकरीबन 15 लीटर है। अच्छा चलो, मैं और कुछ कम भी करोगे? हाँ यार, आप लेने वाले बनो, काम हो जाएगा। चले मैं और भी देखता हूँ फिर आता हूँ आपके पास। कुछ यानी कि फिर आपके पास हो जाएगी ना कमी पेशी? हाँ, आप और भी देखो तो फिर आएंगे। यार आपको कितनी चाहिए? मुझे तो यार 2 के करीब चाहिए थी। हाँ हो जाएंगे, आप आए। चले चलेगा यार, इससे पूछ लेते हैं ये पीछे वाले जो हैं इनके पास फिर रेट वगैरह कम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम, क्या हाल? ठीक ठाक। तो ये गाय मुझे चाहिए थी 2 के करीब, आपको क्या रेट मांग रहे हैं? ये मेरे पास इस वक्त 4 खड़ी हैं, आप इनमें से कोई भी पसंद कर लें। ये यानी कि ब्राउन और वाइट, ये 2 इनके क्या रेट्स हो गए? तो भाई जान, मैं दोनों के 2,20,000 एक का और 2,00,000 दूसरे का मांग रहा हूँ, तो आप बताएं। यार सीधी सीधी बात करो, 1,80,000 दूंगा और दोनों गाय मुझे दे दो। नहीं भाई जान, 1,80,000 बहुत कम हो जाता है। आप यार थोड़ा सा बड़े ना। चलो यार, मैं तुम्हें कहता हूँ 1,90,000, ठीक है? हाँ यार ये ठीक है, आप गाड़ी ले आए तो इधर से यानी डाल के ले जाए, ये ठीक हो गया। तो पैसों का आप अभी देंगे या मैं आपके साथ चलूँ? नहीं, मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ, तुम्हें पैसे दे के फिर चले जाएंगे, ठीक है? तो इनमें दूध कितना कितना देती हैं फिर बता। तो ये एक देती है यार 16 लीटर और दूसरा भी इतना ही करती है। चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। चलेगा ये 2 गाय तो हमें पसंद आ गई थी, ये इसके पास चले फिर मुनासिब हो गई थी। वैसे यार इधर भी यानी कि उतना ख़ास हमें नहीं समझ आई, क्योंकि रेट्स वगैरह हमने ईद के हिसाब से अगर करें तो फिर तो ठीक ही रेट है। ईद पर तो हमने जानवर कुर्बान करने होते हैं, ये तो अब अपने बिजनेस के लिए लेके जा रहे हैं, कोई इसमें तो फिर नफा देखना पड़ता है अपना ना। वो तो चलो कुर्बानी का मामला होता है, कुछ इतने मसले वाली बात नहीं होती। ये रिवर्स लेके जाता हूँ, वो पीछे है ना, वो पीछे है, मेरे लगता है ये आगे खड़े हैं तो वो पीछे लेके खड़ा हुआ है। चले ब्लैक बेरी मैंने पूछी नहीं, क्योंकि ये 2 मुझे पसंद आई थी, इनका कलर काफ़ी अच्छा था, मैंने कहा ब्राउन वाली ले लेते हैं। अब ये 2 है, चले इसका ट्रंक मैं ओपन करता हूँ, और वो वाली जो 2 है ना इस साइड पे लेके आना। हाँ सर, मैं लेके आता हूँ। ये साइड से हम एक एक करके ऊपर चढ़ा ले, चले ऊपर चढ़ जाओ। हाँ मुझे दे रहा रस्सी। हाँ ले, ये ले आप। ये चले गाइस, ये दोनों होगी जी लोड हो गई हैं ये, और ये ले भैया आप अपने पैसे, ये गिन लीजिए, फिर पीछे ना कहना कि यार ये काम है। चलो भाई दे रहा। हाँ ये तो चेन, ठीक है गिन लेना यार। हाँ ठीक है यार, पूरे ही होंगे। नहीं, फिर भी गिन लेना। तो चलो शुक्रिया आपका। तो गए यार ये 2 गाय हमने इस वक्त बाई कर ली हैं, अब इन्हें हम लेके जाते हैं अपने फार्म पे। फिर देखते हैं उधर। यार असद को भी मैंने बोला था साथ, और जो अर्शद भाई उधर बैठे हुए थे वो दोनों काम वाले हैं, उनको बोला था, तो वो कह रहे थे कि यार हम फिर वही बात कर रहे हैं कि हम चले गए तो काम पीछे किसने करना है। मैंने कहा खैर यार आप इधर हो, मैं खुद ही चला जाता हूँ और मैं लेके आता हूँ। वापसी पे उतारते वक्त उन्हें बोलूँगा यार साथ उतारो तो सही वो, क्योंकि यार उन्हें हर वक्त काम काम ही रहता है, उन्हें बिल्कुल ही यानी कि बिजी होते हैं, टाइम नहीं मिलता, कस्टमर अचानक से आ जाते हैं, समझ नहीं पड़ती कुछ। यानी कि अब न्यू बिजनेस है तो उस हवाले से इस तरह होता है कि यानी कि सुबह के वक्त कुछ आ जाते हैं, कुछ शाम के वक्त तो वो होते हैं। यार मुझे लगता है पुलिस वालों को कुछ मामले लगा हुए, तो यानी कि कुछ सुबह के वक्त आ जाते हैं और कुछ शाम के वक्त आते हैं, तो इस तरह असल में मामला कुछ इस तरह होता है, बीच में से बढ़ते रहते हैं ना, उसी वजह से हमने अपने गाय भी अब इसी वजह से साथ साथ हम बढ़ा रहे हैं।
कि कस्टमर ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास पीछे यानी कि माल कम है, तो हम इसे भी साथ साथ यानी कि ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हाँ ये रास्ता था वो पिछले रास्ते से गए थे। इस मरतबा मैंने कहा इस रास्ते से चले जाते हैं ताकि ये यानी कि रोड भी थोड़ा सा देख लूँ ना यार, कच्चा रास्ता चला चला के गाड़ी तंग आ जाता है बंदा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यानी कि गाय के वाले से मैं आपको बता रहा था कि हम साथ साथ इन्हें इसीलिए बढ़ा रहे हैं। अब पहले पिछली यानी कि हमने दो बाइक की थी अपना शफीक भाई से, फिर शफीक भाई से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि मैं महीना डेढ़ मेरा लगेगा और मैं फिर मंडी में यानी कि बड़े शहरों में जो मंडियाँ लगती हैं मैं उधर जाऊँगा, फिर उधर एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो मैंने कहा यार अगर वीकली मंडी लॉस एंटस में लगती है तो यहीं से जाके एक दो यानी कि गाय ले आते हैं ताकि हमारा गुजारा हो जाए। चले ये तो अच्छी मिल गई है। अब मैं शफीक भाई को बुलाऊंगा, उन्हें बताऊंगा यार ये मैंने ली हैं दो, ये कैसी हैं, सवाले से यार कुछ गाइड वगैरह करो। ये वो तो यार पुराना आदमी है, वो व्यापारी भी है और साथ यार उनका बिजनेस भी है, यही गाय वगैरह का बिजनेस काम करते हैं। ओ हटो भाई, ओ यार रोड पे कैसे चल रही है, जैसे इसका घर है, ये मज़े मज़े से आराम आराम से जा रहा है। और शफीक भाई से मैं साथ ये भी पूछूंगा यानी कि इनकी क्या क्या पहचान है और क्या हिसाब है, फिर उस हिसाब से हम फिर खुद यार यहाँ जाया करेंगे और वीकली यानी कि हफ्तावार के हिसाब से जिस तरह मंडी लगती है उस हिसाब से हम भी एक या दो दो गाय ले आएंगे। उस हिसाब से यार इस तरह होगा, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि सेविंग भी नहीं करनी पड़ेगी, जिस तरह यार थोड़े थोड़े पैसे हमारे पास आएंगे हम साथ साथ इसी तरह गाय लेते जाएंगे तो हमारे बिजनेस भी यानी कि बढ़ता जाएगा और साथ हमारे पास गाय भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। फिर यार जिस वक्त गाय ज़्यादा हुई तो हम साइड से यानी कि जितना भी उसके बाड़ा है साइड से वो सारा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो फिर हमारे कस्टमर और इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब यार एक दो यानी कि इधर साथ में ही है शॉप्स वाले, उनको भी पता चला है कि इधर बाड़ा पड़ा है न्यू, यानी कि किसी ने न्यू स्टार्ट किया है, तो वो भी कल आए हुए थे। तो ड्राइवर नहीं था, मौजूद नहीं था यार, किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा है कि जब आ जाएंगे हम कल दोबारा आ जाएंगे, फिर शायद ये आज फिर आ जाएं, तो अगर आए तो यार उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी कहेंगे यार हमें भी कुछ यानी कि इधर हमारा यानी कि सेटअप चले, कुछ होटल वाले हैं यार वो भी कह रहे थे। अब ये इंशाल्लाह होगा, साथ साथ सब कुछ करेंगे। ये गाय यार ये इसने इन्होंने खुली छोड़ी हुई है, मैंने कहा अभी थे बांध दो, सब्र यार इसे पहले बांध दूँ, वो बलि इनसे बनवा दूँगा। ये चलो गाय जिसे तो मैंने बांध दिया है। अब यार असद ज़रा सा आना ना, ये गाय उतारनी है। अर्शद को बोलूँ? नहीं यार असद तुम यहाँ वो काम कर रहे हो, भैया मैं भी काम करूँ यार, आओ पहले उन्हें उतार लूँ फिर तुम कर लेना। तो चलेंगे गाय ये भी आ गया, अब ये पहले गाय उठा लेते हैं। यार असद गाय बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। अच्छा भैया यार तारीफ के लिए शुक्रिया। तो ये गाय मैं दोनों तो मैं दे दूँगा रस्सी, तो अंदर बांध लियो। अच्छा भैया करता हूँ कुछ। तो चलो गाय पहले एक को उतारते हैं फिर दूसरी को, ये वाइट वाली फिर अब ये। तो ये है कुछ यानी कि मुझे पसंद आई थी, ये अच्छी थी इसी वजह से यानी कि खूबसूरत भी थी, इसी वजह से मैंने दोनों हाँ बाय कर ली। चलो गाइस वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।